Yo, what's up guys, we are back again with another episode of God of War 1. In case अगर तुमने guys इसका first episode नहीं देखा है तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, जाके वो वाला episode पहले देख लेना तो story तुम्हें समझ में आ जाएगी। और मैं first episode की link description box में दे दूंगा तो तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाके description box को check कर लेना, आराम से checkout कर लेना। तो guys last episode में क्या हुआ था मैं तुम्हें थोड़ा सा explain कर देता हूँ। तो last episode में God और Athens के बीच में ना guys fight चल रही है, जो कि हमारी fight पहले ना समुद्र के अंदर चल रही थी, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ क्रेटोस है, क्योंकि क्रेटोस ने चैलेंज किया है गॉड्स को, क्योंकि उसने उसकी बीवी और बच्चे को मार दिया है, जो कि एक गॉड का नाम है उसमें से एरिस। तो इसके अंदर लास्ट में एरिस से फाइट होने वाली है, तो क्रेटोस ने एरिस को चैलेंज कर दिया है, जिसके वजह से ज़ूस ने, जो कि सब गॉड्स का बॉस है, उसने बोल दिया एरिस को कि जाके एथेंस पे हमला कर दो। लेकिन अभी ना एरिस को ये नहीं पता है कि यहाँ पे क्रेटोस भी जिंदा है, और क्रेटोस को ना जो ब्लेड ऑफ केओस मिले हुए हैं वो सिर्फ एरिस की देन है, जिससे उसने अपने बीवी और बच्चे को मार दिया है, वो भी किसके कहने पे, एरिस के कहने पे। तब बाद में ना रियलाइज हुआ क्रेटोस को कि एरिस ना अपने इशारों पर मुझे नचा रहा है, और जो भी मुझसे करवा रहा है वो गलत है। तो अब ना बीवी बच्चे को मारने के बाद क्रेटोस ने ठान लिया है कि अब वो एरिस को जरूर रहेगा, क्योंकि उसने अपने बीवी बच्चों को गाइस छोड़ दिया है, यहां पे मार दिया है। तो गाइस जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमारी लड़ाई समुद्र के अंदर हो रही थी एथेंस और जो भी क्रिएचर्स थे उनके बीच में, तो वहां पे एक कैप्टन था जिसका शिप लेके क्रेटोस को एथेंस के गेट के अंदर तक आना था। तो यहां तक तो हम आ गए हैं उस कैप्टन से उसकी चाबी वगैरह लेके और शिप को लेके। तो अभी जो इसका साइज है क्रेटोस का और यहाँ पे एरिस का, तो वो ना एरिस को कभी भी गाइस डिफीट नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑफ उसकी देखो हाइट देखो और इसका साइज देखो, भाई कसम से कहीं भी नहीं मार सकता है। तो गाइस फिर स्टार्ट करते हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। तो यहाँ पे मेरे को ना अभी तक कुछ भी नहीं मिला, एक फीनिक्स करके मिला हुआ है, लेकिन लास्ट वाले एपिसोड में मेरे को ना ऑर्ब भी मिल गई थी, और वो जो गॉर्गनाइज थी वो भी, इट्स मैसिव डोर। तो ये गाइस नहीं खुल सकता है, ये शायद कोई सिंबल करके है, डोर इज शट टाइटली, ये बहुत ज़्यादा टाइटली, भाई कोई भी इसको ओपन नहीं कर सकता है। तो मुझे इसको ओपन करने के लिए कोई ना कोई गेट तो होगा, या कोई ना कोई की तो ज़रूर होगी जो इसके पीछे जाए, या फिर शायद मुझे वो की मिल जाए जिसकी मदद से मैं इसे खोल सकता हूँ। तो एरिस ना एथेंस पे बहुत गंदी तरीके से हमला कर रखा है, और वो ना पैरों के नीचे ही, आधे से ज़्यादा तो लोगों को वो पैरों के नीचे ही दबा देता होगा, क्योंकि उसका साइज ही इतना बड़ा है कि पूछो मत। तो गाइज मेरे को जाना तो इसी वाले डोर के पास है, लेकिन अभी मुझे ढूंढना है इसकी की, जो कि मुझे अभी नहीं पता वो गाइज हमें कहाँ पर मिलेगी। तो शायद मे भी वो आगे इस एपिसोड में गाइज मिल ही जाएगी, तभी हम यहाँ से जाएंगे, क्योंकि अभी एरिस को ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि यहाँ पे क्रेटोस आ चुका है। लिटरली वो सोच रहा है कि एथेंस से फाइट करके मैं जीत जाऊंगा इस वाली वॉर को, लेकिन इसकी एक गलत फहमी है। जब तक ये एथेंस को मार रहा है, जब तक मार रहा है, लेकिन लो जिस गेट से मैं आने की सोच रहा था वो गेट ही बंद कर दिया उन्होंने। बाप रे, यहाँ ऑलरेडी दो तीन क्रिएचर मौजूद हैं। अच्छा ये वाला, हाँ ये वाला सीन मैंने पहले कर चुका है शायद, मैंने ये शायद बहुत पहले गेम खेली थी जब मैंने कर चुका था। इसके ऊपर आना है, उनको फ्रीज करना है मेडियूसा के सर से, तब जाके मैं उस वाले उस पर जा सकता हूँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, ये मुझे भाई पेलेंगे ही पेलेंगे। रुको मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक पावर ले लेता हूँ, ये वाली ब्लू वाली, तो मेडियूसा का थोड़ी सी पावर बढ़ जाएगी और मेरे को ना थोड़ा मौका मिल जाएगा। नाइस, पड़ तो गया मेरे अंदर, अब आ जाओ। जैसे ही इसके ऊपर खड़ा होगा और वो गेट ओपन हो जाएगा और मुझे इसको फ्रीज करना है। बच गया, अरे बच, ये तो मुझे बचना था लेकिन नहीं बच पाया। एक को मारता हूँ फिर दूसरे वाले को ना आराम से फ्रीज कर दूंगा, अदरवाइज ना ये मेरे में हथौड़ा ही हथौड़ा पेलते जाएंगे। हो गया हो गया, काम हो गया। अरे यार थोड़ा सा मिस हो गया, नहीं तो मेरे अभी काम हो जाता। अभी जमाने का कोई फ़ायदा नहीं इसको फ्रीज करने का, इसको इसके ऊपर ही फ्रीज करना था। बाप रे, दूसरा वाला इसकी इसका साथ दे रहा है ना, चक्कर तो ये है। रुको पहले थोड़ी सी और ले लेता हूँ मैं ब्लू वाली, फिर इसको करूँगा, देखो इस बार स्मूथ करूँगा। पहले एक को ना यहाँ पे चटका देता हूँ, आओ आजा। अरे ये दोनों एक साथ मार रहे हैं ना, इसलिए ये ड्रामा हो रहा है। पड़ा मेरे अंदर एक और, बहुत अच्छे। इसको बताता हूँ पहले, अब ये जो लास्ट वाला रह गया है ना, ये तो काम कर देगा। अच्छा थोड़ी सी और ब्लू वाली,
और गाइज मैंने ना लास्ट एपिसोड में पूरी की पूरी अपनी वो जो ब्लेड ऑफ कियोस है ना उसको भी थोड़ा अपग्रेड किया था, जो कि तुम राइट हैंड पे ये देख रहे हो ना L1 L3, अगर जैसे मैं दबाऊंगा तो मेरे पे एक न्यू एबिलिटी है जिससे मुझे कोई मार नहीं सकता और मैं उनका भूत बना सकता हूँ। तो समझ जाओ वो कितनी डेंजर होने वाली है, आगे चल के यूज करेंगे। हो गया, भागो, लेट्स गो। दो मिनट के लिए फ्रीज रहियो मेरे सांड महाराज, मैं इतनी देर में निकल जाऊंगा, वो भी डॉज कर करके लुढ़क लुढ़क के। ठीक है, तो गाइज एथेंस के हम गेट के अंदर घुस चुके हैं जहाँ पे एथेंस और क्रिएचर्स के बीच में लड़ाई हो रही है, क्योंकि देखो अब एरिस आया तो अपनी आर्मी तो वो लेके आएगा। और ये जो आर्मी तुम देख रहे हो ना, ये आर्मी एरिस की नहीं है, ये आर्मी है हेडिस की, जो कि हेडिस ने मदद करी है एरिस की। लेट्स गो, इसको मारो पहले, हट। इनके घरों में ना गाइज मुझको ना वो मिलती रहेगी रेड वाली ऑर्ब, तो वो लेता जाऊंगा, क्योंकि देखो अब रेड वाली ऑर्ब अगर हमने गलती से भी मिस करी ना, तो मिस करने का डिसएडवांटेज ये होगा कि हमारी जो वेपन है वो बिल्कुल भी बढ़ नहीं पाएगी और हमारा आगे चल के सीन हो जाएगा, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि मेरा सीन हो जाए आगे चल के। ये देखो मेड्यूसा को देखो, मतलब कुछ कोई एक बंदा नहीं छोड़ा इन्होंने जो कि फाइट करने के लिए आर्मी के लिए लेके आए हो, सबको लेके आ गए, मेडुसा को, जितने भी मॉडिटर हैं उनको भी लेके आ गए, जितने भी ये छोटे मोटे क्रिएचर हैं। बाप रे एरिस मेरे पे मारा, बच गया मैं नीचे तो गिर गया, लेकिन अभी मेरा साइज थोड़ा छोटा है ना, इसलिए एरिस मेरे को मार सकता है, एक ही पैर रखेगा मेरे ऊपर हो जाएगा। तो गाइज दो गॉर्गन आइज और चाहिए और मेरी जो ग्रीन वाली हेल्थ है उसका साइज और भी इंक्रीज हो जाएगा। तुम्हारी ऐसे के तैसे तीर चलाना नहीं आता तो क्यों चलाते हो वे हैं भाई। एरिस देखो कैसे मार रहा है भाई सबको, यहाँ पे एक भी नहीं है। घरों के अंदर मेरे को मिलेगा गॉर्गन आइज और फिनिक्स करके मिलेगा ही मिलेगा मेरे अंदर। तेरी ऐसे के तैसे निकल यहाँ से, मिल गया। देखो मैंने बोला था ना यहाँ पे होगा ही होगा यार, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डली हुई हैं रेड वाली। मैंने इस पर एक्सपेक्ट किया था कि मेरे को ना गॉर्गन आइज या फिनिक्स मिलेगा, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। अगर सारी की सारी यहीं पे अगर मैंने अपग्रेड कर लिया तो आगे फिर गेम का मतलब ही क्या बनता है। एक मॉनिटर ले, हट। अरे मेरे पास वो जो मैंने अपग्रेड करा था वो भी तो मेरे पास होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये पहले मॉनिटर को मारता हूँ ना फिर ही मजा आएगा। ना तो ये गेंडे हैं ना ये बुल हैं, पता नहीं ये क्या है, दो पैरों पर चलने वाले क्रिएचर कहीं के। एक तो वो दूर से मार रहा है, अब यहाँ पे मेड्यूसा आ गई ना तो और ज्यादा मेरे लिए सिचुएशन गलत क्रिएट कर देगी। मैंने जैसे ही बोला और वो आ गई, पहले मेड्यूसा को ठिकाने लगाता हूँ, रुक जाओ, पड़ी मेरे में, बच गया। मैं इसको पकड़ने की ट्राई कर रहा था लेकिन यहाँ पे तुरंत ही उसने वो दे दिया, मैं गया, बच गया। मेड्यूसा मुझे फ्रीज करेगी और तभी ना ये अपना हथौड़ा मार देगा और मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है भाई, क्रिएटर्स हैं हम, थोड़ी इज्जत तो हमारी भी बनती है ना। हट हट तेरी ऐसे की तैसे, ये ज़्यादा मार रहा है, रुक जा तेरे को बताता हूँ। ये ब्लॉक कैसे कर रहा है अपने हैमर से, गया, हो गया इसका राम राम सत्य। अरे मरा नहीं था, आहा रोक के दिखा ना और रोक, जब बस की ना हो ना तो मत किया करो भाई। इसको देखो दो तलवार का नहीं है लेकिन फिर भी इसको तीर चलाना है। एक आध बॉक्स मिल जाए यार, यहाँ पे एक भी बॉक्स नहीं है और दो क्रिएचर अभी आगे भी खड़े हुए हैं। वो दोनों बॉक्स मिल गए, अच्छा वो राइट वाले घर के अंदर मुझे बॉक्स नहीं मिला, इसके अंदर ही मिल गया। लेट्स गो, अब ये जो दो क्रिएचर रखे हैं ना इनको भी ना मैं यहीं पे इनकी अरे एक ही है, मुझे लगा दो है। अब ये ब्रिज क्यों बना रखा है, अच्छा सामने से इन्होंने ना ब्रिज ही को तोड़ दिया ताकि कोई यहाँ से जा ना पाए, कोई भी एथेंस यहाँ से आएगा तो वो उसको पेल देंगे। ये रोप के ऊपर जाना है मुझे, होल्ड डाउन 0 टू स्विंग ऑन द ओके, तो मुझे ओ दबाऊंगा तो मैं ऐसा करके स्विंग कर सकता हूँ, और 1 2 एंड 3 हो गया काम। तो भाई एरिस का जो ऊपर का पोर्टल तुम देख रहे हो ना गॉड्स का, ये उस पोर्टल्स के अंदर से डायरेक्ट एथेंस के घर की तरफ आ गया है, उसके मैदान में जहाँ पे वॉर चल रही है। तो गाइस अभी ना R1 और L3 वाले यूज़ करेंगे, लेकिन अभी ये 2200 के ऊपर ही अपग्रेड कर सकता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 1900 पावर है बस सिर्फ ये। सॉरी, अरे बाप रे वो जो टूटा मेरे अंदर ही लगा वो डायरेक्ट एथेंस टाउन स्क्वायर, तो ये जो टाउन है ना ये एथेंस का है। बाप रे बे मोटे, इतना खाता क्यों है जो इतना मोटा हो गया, इसको पास ही नहीं आने दूंगा, दूरी दूर से इसका खेल खत्म कर देंगे। आजा बड़ी वाली मारता उसमें,
अभी एक बार अगर मैं और अपनी वेपन अपग्रेड कर लूंगा ना, फिर देखो फिर तो कोई भी नहीं बचने का मेरे से। बड़ा वाला मारूंगा। हट यार, ये इतनी आसानी से नहीं जाने वाला ये। अगर एक दो और आ गए ना इसके जैसे। अच्छा ये वो वाला नहीं है जिससे जीरो प्रेस ट्रायंगल प्रेस करना होता है, ये वो वाला क्रिएचर नहीं है, ये कुछ और ही भसड़ी है। हट यहाँ से, दो तीन और मारता हूँ बड़ा वाला। हट यहाँ से, एक और आ गया, ख़त्म। ज़्यादा देर तक ये जिंदा नहीं रहने वाला। हट, एक और, ये इसको वही कोने के अंदर फंसा कर रखूँगा, बस ख़त्म है ये शायद। अच्छा तीन बार इसको पेलना है, वो भी उसके मुँह। बाप रे, अभी गाइस मेरे को लग रहा है मुझे यूज़ करना पड़ेगा अपना L1 और R3। अब देखो मैं दिखाता हूँ तुम अपनी एबिलिटी। ये ले बेटा, ये भी ले, ये ले। अरे भाई साहब, आया ना मज़ा। ले ये भी ले। ये, अरे यार मुझे लगा ना पूरी की पूरी एबिलिटी ख़त्म होगी, लेकिन दोनों गेंडे मरे नहीं। हट, लेकिन इनके हाथ में जो ये वेपन है ना, ये बड़ा डेंजर है यार। जो भी है, ये मेरी आधे से ज़्यादा हेल्थ को लेके जा रहा है। आ जा, गया एक तो, गया एक बाकी है। अच्छा मुझे ग्रीन ऑर्ब भी मिल गई रेड ऑर्ब के साथ, तो इनको पेलने के। अच्छा दोनों गए, अरे वाह। तो गाइस जितने भी एथिंस थे यहाँ पे, मैंने उनको बचा तो लिया, लेकिन इनको बचाने का देखो गाइस फ़ायदा है नहीं। अब मज़ा आएगा, पूरी की पूरी अपग्रेड करेंगे, अब मज़ा आएगा। न्यू अपग्रेड, ग्रेटेस्ट डैमेज, न्यू अटैक। हो जाएगा। कितनी, सिर्फ 8 पॉइंट रह गई है। और अब मेरे से वो जो ट्रायंगल वाला जो एक मूव है ना, अभी देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, आई शो यू। ये ट्रायंगल, सिर्फ ओनली ट्रायंगल प्रेस करना है। ट्रायंगल, ये वाला, ये मूव ओपन हुआ है अभी हमारा ट्रायंगल से। तो गाइज लेट्स गो। और अभी मैं अगर किसी एनिमी का, अच्छा इससे मुझे, ये कौन था, ये था कौन, शायद इसी को पकड़ना है, और शायद इसी पे वो वाली चाबी है जिससे शायद वो वाला जो गेट है ना, जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ी तरीके से वहाँ पे वो जाम हो रखा है, तो वो उसी गेट, इसी की से खुलेगा वो शायद। ये डैमेज हो रखा है, वो साफ पता चल रहा है कि इसके अंदर कुछ तो है। तो ब्लू वाली ऑर्ब ले लेते हैं, और ये जो लड़की गई है ना, इसी के पास ये शायद कोई क्वीन है जिसके पास वो की हो सकती है, क्योंकि एथेंस का गेट है वो। मे बी शायद वो देखो ऊपर से मुझे देख रही है, वो बोल रही है कि मुझसे दूर रहो, और उन्हें लगता है कि हम ना एरिस के क्रिएचर है जो कि इसे मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम इसकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। अगर ये चुपचाप से चाबी दे देती है तो ठीक है, अदरवाइज इसका भी खेल करना पड़ेगा। ये देखो प्यार से मना ले क्रेटोस, अगर मान जाती हो तो ठीक है। अरे इसको पता है पहले से हम कौन है, मुझे पता है तुमने क्या किया है, वहीं रहो दूर, मुझसे दूर रहो क्रेटोस। अब तो इसको पकड़ना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बोल के गई है ये। ये सब कुछ क्रेटोस की वजह से हो रहा है, एथेंस को पता है ये चीज़। एरिस यहाँ पे क्यों आया है, क्यों गॉड मारना चाहते हैं सबको। गई, और बच गया, ये तो टपक गई भाई ऊपर से। अच्छा इसके पास कुछ तो है, हमें वैसे भी इस लड़की से मतलब नहीं है, जो इसके पास चीज़ है क्रेटोस को उससे मतलब है। आई डोंट नो भाई इसके पास क्या है, यहाँ पर जाके देखते हैं एक बार। ये क्या है, टनल का कोई रास्ता है क्या नीचे जाने का। The hatch is locked. मुझे हैच की key चाहिए। हैच की key कहाँ पर मिलेगी, अभी जो लड़की गिरी है इसके पास तो नहीं है हैच की key, बट इसके पास तो वो वहाँ की key होगी ना, वो जो door है बड़ा वाला। I don't know भाई क्या है। एक और phoenix मिल गई है, अभी मैं game को यहाँ पर save नहीं करने वाला, पहले इससे key उठा लेता हूँ। Yes, her pocket, will you take it? Okay, take the key. ये key पक्का उसी की है, हैच की है ये ऊपर वाली की। लेट्स गो, चलते हैं यहाँ पे। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे राड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मुझे कुछ मिलता है ना, बंदे आना स्टार्ट हो जाते हैं। लो कर लो बात तेरी, ऐसे की तैसे इनको ना स्क्वायर स्क्वायर और ट्रायंगल से पेलना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये वाला जब तक मैं मूव नहीं मारूंगा, ये जो शील्ड बना के आते हैं ना अपने पास, उसको मैं मार नहीं सकता, उनको तोड़ नहीं सकता, ये मेरे को मारना ही मारना पड़ेगा। ये वाला मूव बहुत सही चीज़ है। अबे तुम्हारी तो, ये देखो एक ही बार में ओ आ गया इसके ऊपर। बाप रे मैं तो गया, एक सेकंड और लेट हो जाता ना। ये जो डिस्ट्रॉय मैजिकल शील्ड्स विद द प्लम ऑफ, हाँ समझ गया मैं इससे। देखो ये मैंने इसके अंदर ट्राई किया,
यूज करने का, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो गाइज इसको पेलने के बाद चलते हैं अब ऊपर। अरे कितने हो भाई, हट तेरी, हट, बोलेगा फालतू है, बोलेगा फालतू। ग्रीन वाली ऑर्ब ले लेते भाई, पूरी की पूरी खत्म हो गई है। अभी मेरे पास ये वाली तो है, ब्लॉक कर लिया बेटा। सीख क्या ना, अभी तुम बहुत छोटे हो, निकलो। एक बार हैच तक पहुंच जाऊं, फिर उसके अंदर का सिस्टम तो देखो बाद में जाके देख लेंगे जो भी है वहां पे। लेकिन इनको ये अभी इतने सारे आ कहां से गए अचानक से, अभी तो यहां पे कोई भी नहीं था। देखो मेरी L1 और R3 वाली जो पावर है ना, जो सबसे ज़्यादा डैमेज देती है, जो कि अभी मैंने नीचे एथिन्स ऑफ टाउन स्क्वायर पे यूज़ किया था, वो इनको जैसे जैसे मैं क्रिएचर्स को पेलता जाऊँगा ना, जब भी वो मेरी बढ़ती जाएगी। अब इसके अंदर मुझे जाना है क्रिटोस को, इसको उठाने में भी टाइम लग रहा है क्या इतना। लो घुस गए। ये वाला जो गेट था ये ओपन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ दूसरी जगह से शायद लॉक्ड होगा। तो हम टनल के अंदर से जा रहे हैं, टनल का यूज़ करके। बाप रे, अच्छा हुआ मैं उस रास्ते से नहीं गया सारे एथिन्स। अब ये जो गेट है, अब यहाँ से मुझे निकलना है कहीं और मुझे लग रहा है मैं शायद उस गेट के अंदर ना चला जाऊँ, वो जो बड़ा वाला गेट है, मेन गेट वही है, उसी के अंदर जाना है शायद। रूफटॉप ऑफ एथिन्स, अच्छा तो वो जो वहाँ पे वो जो क्वीन थी वो एथेंस स्क्वायर की क्वीन थी। अभी यहाँ भी ये जो एथेंस का घर है, जो कि सारे के सारे सोल्जर्स हैं, ये हम रूफ टॉप पे आ गए हैं। ठीक है, अभी मेरे को समझ में आ रहा है बिल्कुल धीरे धीरे। तो देखो एरिस, वो देखो वो रहा मेरे सामने एरिस, वहां पे डिस्ट्रॉय कर रहा है रूफ टॉप पे सबको। अब मुझे और भी ऊपर जाना है, वो रहा, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्रिटोस भी है जो कि सारे क्रिएचर्स को मार रहा है। उसकी पूरी आर्मी आधे से ज्यादा तो क्रिटोस ने यहीं आते आते ही खत्म कर दिया है। पक्का यहाँ कोई गड़बड़ लग रही है। बाप रे ये कौन है जमीन के अंदर? अरे अरे खच 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 खच, बाप रे ये कैसे पेल रहा है इसको। वू नाइस भाई, लेकिन हमारे सामने तो कुछ भी नहीं है। आजा फिर दो दो हाथ हो जाए, हंसने वाली बात नहीं है। दो दो चमचे लाए ना तो अपने साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे से 6 चमचों को मारते हुए आए हम यहाँ अब तक, तेरा रूफ टॉप बना देंगे, हट तेरी। अच्छा मैं ना इनको देखो ब्लॉक करके इनके ऊपर इंस्टेंट अटैक भी कर सकता हूँ। देखो मैं इंस्टेंट अटैक करके दिखाता हूँ तुम्हें, हट तेरी। नाइस गाइस, मेरे को रेड ऑर्ब भी कलेक्ट करनी चाहिए, हट तेरी। सही टाइम पे फ्रीज किया मैंने इसको, आजा आजा आजा। अभी अभी इसको एक को मार, अभी देखो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ इंस्टेंट अटैक दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, ये वाला अटैक की बात कर रहा था मैं। ये अरे यार मिस हो गया ये वाला। जैसे वो मुझे मारेगा मैं ब्लॉक कर लूंगा और इंस्टेंट अटैक कर सकता हूँ देखो ऐसे, और जिससे डैमेज भी गाइस बहुत सही आता है। इनको तो ख़त्म कर दिया, अभी और भी है शायद। ये जो रेड रेड गेट देख रहे हो ना, तो ये जब भी खुलेगा जब मैं सबको चैन की नींद सुला दूंगा। और भाई साहब एक और गॉर्गन आइस, और अब बढ़ेगी मेरी और भी ज़्यादा पावर। चलो ये हुई ना बात। अभी तो मेरी जो ऊपर ब्लेड है ना वो पूरी की पूरी अपग्रेड होगी, अभी बहुत ज़्यादा बड़ी गेम है ये। बोलेगा फालतू है, बोलेगा फालतू तेरी ऐसी की तैसी। चलते हैं अब ऊपर, लो कर लो बात। जब तक इनको नहीं मैं ख़त्म कर सकता ना, वो गेट नहीं ओपन होगा यार। इनको पेलना ही पेलना पड़ेगा, इतने आते क्यों हो बे। एक और मोटा आ गया सामने से, नाइस। इस मोटे को मारना जरूरी है, नहीं तो इसके हाथ में जो लगा हुआ है वो। और रे भाई सही टाइम पे मैंने डॉज कर लिया, पड़ा मेरे में। ये तो बिल्कुल थॉर की तरह कर रहा है, मार के वापस से। अरे अरे डॉज करके मार देता। आजा आजा, मिस नहीं करूंगा एक भी।
आजा आजा, ट्रायंगल ही ट्रायंगल दे दिए इसके अंदर तो। हो गया इसका तो नाम राम सत्य। बाय बाय, कल आना। अब ये रह गया है। अबे एक मोटू और आ गया। अरे बाप रे, ये तो गुस्से में लग रहा है, अपने भाई का बदला लेने आया लग रहा है। तेरे को बताता हूँ मैं, रुक। खत्म, एक बार में खत्म। एक तो उसके अंदर ना, उसके जो गोले हैं हाथ में जो लगा रखा है, उसके अंदर कांटे बहुत सारे हैं, तो वो ज्यादा डैमेज दे रहे हैं मुझे। निकल यहां से। इसको इसके अंदर तो पूरा कॉम्बो मारूंगा। रुक जा, तेरे अंदर तो पूरा कॉम्बो पेलूंगा। ऐसे ऐसे और ऐसे। हट हट, अभी तो हंस रहा था ये बहुत। दो चार अपने बंदे लाके तो बड़ा हंस रहा था। अब क्या, अब कहां गई इसकी हंसी, गायब हो गई। अभी ओपन नहीं हुआ गेट। अबे यार, अभी इसको पेल के तो आया था मैं यहां से, फिर दोबारा आ गया। ये लास्ट है ये। ओह, सारे गेट ओपन हो गए मेरे, अनलॉक्ड। नाउ टाइम टू गो। एरिस, आई एम कमिंग। नो, दिस इज माय फॉल्ट, दिस इज नॉट योर्स एरिस। ओह, मेरे पे ग्रीन वाली ऑर्ब तो ऑलरेडी थी, तो वो मैं क्यों ही लेता। जो नहीं है वही चीज लो ना। एथिस बोल रहे हैं एरिस ना यहाँ पे सारी सिटी को ब्रेक कर रहा है, लेकिन क्रेटोस अपना रास्ता खुद बना ही लेगा। सामने में उसकी क्रिएचर्स हाथ में तीर लेके खड़े हुए हैं, लेकिन मुझे अभी नीचे से जाना है। मैं साइड में से जाऊँ क्या? नहीं, वो ऊपर से मेरे में एक ना एक तीर तो चिपका ही देगा, जिसकी मदद से मैं नीचे गिर जाऊँगा। रुको, मुझे थोड़ा देख के जंप करना चाहिए, एक भी तीर ना लगे। अब यही मौका है। नाइस, सही टाइम पर कूदा हूँ मैं भी। अगर मैं यहां से गिरा तो दोबारा से करना पड़ेगा। रुको, आराम से, बहुत बढ़िया। इधर नहीं मारेंगे। म्यूजिक का इस तरह डेंजर चल रहा है ना, इसका म्यूजिक गॉड ऑफ वार के सबका ना, 1 और 2 और 3 का म्यूजिक बहुत मस्त है। चलो रेड रेड और कलेक्ट कर लो भाई, जितने भी मटकों में तुमने सजा के रखी हुई है मेरे लिए। नाइस, अभी ऊपर भी शायद कोई ना कोई आने वाला है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ ये जो फाइट चल रही है ना एथिन्स और एरिस के बीच में, तो अभी एक एक जगह पे एक एक क्रिएचर मौजूद होगा ही होगा। हट तेरी। चलो हट, इधर आ। हैं, कैसी आवाजें निकल रही हैं? किसने बोला था यहाँ पे आने के लिए? किसने बोला था? चलो, एक और गेंडा आगे खड़ा हुआ है। गेंडे तेरी ऐसे की तैसी। इसमें बड़ा वाला पेलूंगा। हट, ये बहुत अच्छा मूव है यार। अभी पता नहीं दूसरी अपग्रेड में कौन सा मूव ओपन होने वाला है। भाग तेरी, एक और ना आ जाए। अरे यार, हेडिस ने अपनी पूरी की पूरी तगड़ी वाली आर्मी भेजी हुई है, लेकिन मार नहीं सकते बेटा तुम हमें। आर्मी होगी तुम्हारे घर पे, यहाँ पे नहीं। आ जाओ, एक एक करके आओ ना। रुक जा, तू अकेला रह गया, पंछी बन उड़ता फिरू मस्त मगन में। आ जा, तू आ पहले। ले, मेरा पीछा कर रहा है भाई, जहां से मैं स्टार्टिंग से आया हूँ ना, वहां से मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया ये। एक तो यार फाइट चल रही है, ऊपर से ये दिमाग का दही कर रहा है। लेट्स गो, चलो अपने लोकेशन तक तो मैं पहुंच गया। ये कौन है? क्रेटोस बोल रहा है लीवर को रिलीज कर दो और मुझे वहां से जाना है। तो ये जो बंदा है वो डरा हुआ है, वो ये बोल रहा है अगर मैंने यहाँ पे अगर ये गेट को ओपन कर दिया तो वहां से जितने भी मॉन्स्टर है ना वो एथिस की तरफ आ जाएंगे। लेकिन भाई अब क्या कर सकते हैं, क्रेटोस ने बोला है कावर्ड, ये डरा हुआ है भाई, इतने ज्यादा डरे हुए लोगों ले रखे हैं एथिन्स के अंदर। लेकिन एथिन्स वाले मुझे नहीं लगता इनकी कोई आर्मी थोड़ी ना है, ये तो इंसान ही तो है, ये कोई गॉड थोड़ी ना है, वो तो क्रिएचर से लड़ रहे हैं बस अपने आप को बचाने के लिए, तो भाई वो तो डरेंगे ना, डरपोक तो रहेंगे ही। हट, इसकी भैंस की आंख। अब उस गेट को, अब उस बंदे को वहां से हटाना है, अब उसके लिए कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा यार। इस गेम की ना यही चीज तो है, सिंपल सी चीज को भी। अबे तुम्हारी तो इतने सारे अभी तो नहीं थे तुम यहां पे जब मैं गया था। हैं, ऐसे की तैसे, अभी क्यों नहीं थे तुम? हैं, अभी कहां गए थे बताओ।
यार रेड वाली और ना भर भर के मिल रही है कसम से। मैं मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा हमें अपडेट करने में अपने दूसरे वाले वेपन को। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि देखो ये वाली जो वेपन है ये तो अपग्रेड हो गई है, अब इसके बाद वो जो बिजली वाली पावर है ना उसको अपग्रेड करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा ऑर्ब की नहीं होगी रेड वाली, मे बी शायद 1500 के आसपास होगी, तो उसको अपग्रेड कर लेंगे, काम आएगा आगे। लो रुक जाओ, आओ, तुम्हें तो हम कब से ढूंढ रहे थे भैया। ऊपर देखो पूरी की पूरी सेना खड़ी है मुझे पेलने के लिए, आ जाओ कल आना। अरे आगे जूस की बिजली थी यार, सामने देखो जूस की बिजली बनी हुई है, ये देखो ये वाली पता नहीं कौन सा गेट है, ओ इसको लेके जाना है। मैं देखो R1 की जगह हमेशा R2 दबा देता हूँ, ओ R2 की जगह R1 दबा देता हूँ, बिजली यूज हो जाती है। इसके अंदर तीर लगा हुआ है, शायद कोई गेट को तोड़ना है अंदर की साइड, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भारी है और क्रिटोस जैसे इसको बहुत तेज लात मार रहा है ना। अच्छा अब होल्ड, ओ यहाँ पे स्टेयर्स की मदद से जब नीचे थोड़ी ढलान आई तब जाके इन्होंने R2 प्रेस करने का ऑप्शन दिया है, अदरवाइज तो ये बहुत ज़्यादा स्लो जाएगा यहाँ से। इससे पक्का कोई गेट ही खुलेगा इससे, क्योंकि क्रॉसबो ना बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला है, क्योंकि जो एक हाथ वाला क्रॉसबो होता है ना वो ज़्यादा तेज़ चलता नहीं है, और क्योंकि ये जो वॉर में यूज़ होता है ये वो वाला है, तो ये बहुत अच्छा। सामने वाला गेट को तोड़ना है, अरे ये तो इतना आसान है, बट इसका मुंह हाँ इसके ऊपर से घुमाना है मुझे, वो साफ साफ नज़र आ रहा है यार, ये तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो जिसको ये दिखाई नहीं देगा। इसको घुमाना है, इसके अंदर कोई एक हैंडल होगा पक्का, नाइस, ये तो बहुत ईजी है। बाप रे इसके अंदर इतने सारे, अंदर ही रहो, कम से कम इसके अंदर मेरे को 4 और मिल जाए रेड वाली। देखो अभी हमारे पास इन्वेंट्री के अंदर 3 है, तुम्हें दिखाई दे रही होगी ऊपर, मिल जाएगी दिक्कत नहीं है क्रेटोस। ओ एथीना भी पूरा साथ दे रही है, पड़ी मेरी मारने से पहले इसने मेरे को पेल दिया। ये देखो आ जाओ, आप डॉज कर करके आ जाओ, लो ऐसे ही डॉज कर करके लो आ जाओ, एक और कम ऑन, क्या हुआ मार नहीं पा रहे क्या, करो ना ट्राई करो, हाँ करो ट्राई करो, आराम से पेल दिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ऐसे, और रे हार्ट हार्ट हार्ट, निकलते जा रहे हैं। मुझे लग ही रहा था इसके अंदर पक्का इतने सारे तो होने वाले हैं, मुझे लगा था इसके अंदर ना सिर्फ वो होगा, क्या कहते हैं उसको, मेड्यूसा वगैरह, लेकिन मुझे नहीं पता था ये भी होंगे इसके अंदर। खत्म, अब ये गेट को करना है ना ओपन, बस एक बच गया था ये गेट। हाँ देखो मैंने बोला था ना इस वाले हैंडल को अगर मैं जैसे करूंगा वो गेट की तरफ मुंह हो जाएगा उसका, ऊपर का गेट खुल गया, ब्रोक इट इज द ब्रोकन, ये ब्रोक क्यों रखा है, इट इज द ब्रोकन स्लीवर एट वन टाइम्स यूज है, बट अब मैं उसको घुमाऊं कैसे, मैंने उसको इधर की तरफ किया तो दोबारा हैंडल उधर हो गया, अब इसका मुंह मुझे और भी उस साइड करना है, लेकिन वो करूंगा कैसे, इसके अंदर भी कुछ नहीं मिला, एम्प्टी, इसके अंदर शायद कुछ हो, अरे रेड ऑर्ब भी रख देते यार, कम से कम कुछ तो दे देते, इसमें मिलेगा क्या, बैड लक क्रेटोस बैड लक, एक भी गॉर्गनाइज नहीं मिली। इट इज द रिफोर्स्ड डोर, ओके रिफोर्स इसी से खुलेगा ये, अरे मैं समझ गया, इसको यहां से हटाता हूं और दोबारा उसको, शायद वो इधर घूम जाए ये दरवाजा, दोबारा से अगर इधर घूम गया ना, बट ये तो वापस गया, फिर इसके ऊपर रख के इसको इधर घुमा देता हूँ, हो जाएगा, अरे वाह भाई वाह, मेरे दिमाग का भी क्या ही कहना। आओ अब देखो इसका मुंह हो गया ना इधर, अच्छा वो बार बार ना अपनी जगह पे चला जाता है, सिर्फ हैंडल स्टेयर्स को ऊपर जाने के लिए टाइम लगता है, अभी नहीं होगा क्रेटोस, अभी नहीं होगा, थोड़ा सा और इधर करना पड़ेगा इसको, अब सही जगह पे जा रहा हूँ मैं, अब देखो अब पड़ेगी बिल्कुल सही वाली केक, वो भी ऐसे बूम,
तो ये तो ओपन हो गया, अभी यहाँ से निकलते हैं, इसका क्रॉसबो का काम खत्म हो गया। अच्छा उस गेट की तरफ घूम के तो नहीं जाना, वो जो जूस का कुछ था ना वहाँ पे, जूस की जो बिजली वगैरह का गेट बना हुआ था, मे भी शायद ये वही गेट है घूम के। अरे हाँ देखो मैंने बोला था ना पावर मिलने वाली है गाइज, लेट्स गो, अब आएगा मजा। खतरनाक म्यूजिक, सारे पोसाइडन वगैरह यहाँ पे सबकी ना पिक्चर्स लगी हुई है। तो गाइज अब ले लेते हैं अपनी बिजली वाली पावर जो भी अब मिलने वाली है, जिसको यूज़ करके हम आगे जा सकते हैं। और मुझे लग रहा है ये वाली जो बिजली है ना वो शायद मुझे यूज़ कहाँ पे करनी है आई डोंट नो, लेकिन करेंगे आगे, पहले ले लेता हूँ उसे। दे दो भाई। लॉर्ड ज़ूस, यू ग्रो स्ट्रॉन्गर एज योर जर्नी कंटिन्यूज, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा अगर तुम्हें जर्नी को आगे कंटिन्यू करना है। क्रेटोस ये बोल रहे हैं, I offer you the power of the father of Olympus. I offer you the power of Zeus. भाई ज़ूस की पावर दे रहा है, अब आएगा मजा। The father of Zeus की, अच्छा ज़ूस इसका बेटा है ना, तो इसलिए इसने इसको फ्यूरी वाली पावर दी है, ज़ूस फ्यूरी। ओह नाइस भाई साहब, L2 प्रेस करके एक्टिव करना है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो क्रेटोस, जाओ और अपना नाम बनाओ ओलंपस पे। यार ये तो मोटिवेशन दे रहे हैं यार। चलो अब यूज कैसे होगा वो, L2 से होल्ड L2 टू एम ज़ूस फ्यूरी वाइल, ओ समझ गया, अब भाई का मजा। ये भाई ओपी, ये हुई ना बात क्रेटोस, लेट्स गो। क्रेटोस मॉर्टल होगी भी गॉड्स की पावर को ऐसे यूज कर रहा है जैसे खिलौना, ये हुई ना बात। अच्छा यही जो चार पांच बंदे थे यही रह गए थे, अदरवाइज तो सबको हमने पेल ही दिया था ना, सबको खत्म कर दिया था, यही दो चार रह गए थे जिसकी मदद से गेट ओपन नहीं हो रहा था। अभी गेट ओपन हो गया है हमारा यहाँ पे, तो जितनी भी पावर्स हैं यहाँ पे रेड ऑर्ब कलेक्ट करते हैं और निकलते हैं। और अच्छा अब मुझे समझ में आया ये फ्यूरी क्यों मिली, अभी वो जो बंदा था वो जिसने ब्रिज का हैंडल को पकड़ रखा था, क्रेटोस बोल रहा था उस हैंडल को रिलीज कर दो मुझे उस तरफ जाना है, तो उसने मना कर दिया था, अगर मैंने गेट को खोला तो वहाँ से जितने भी मॉन्स्टर हैं वो एथेंस के केज में आ जाएंगे, तो अभी उसको पेलना है वहाँ पे ताकि वो उस हैंडल को छोड़ दे और ब्रिज ऑटोमेटिक वहाँ पे खड़ा हो जाए। चलो इतना तो समझ में आ गया, मुझे लगा यहाँ पे कोई गेट होगा लेकिन अब मुझे समझ में आया गेट तो वही है हमारा मेन वाला जो गेट है। लेट्स गो चलते हैं जल्दी उसके पास, अभी भी उसने वो गेट को पकड़ के रखा होगा, मैं भी जहाँ तक मुझे लग रहा है वो छोड़ने वाला नहीं है, डरपोक इंसान है जैसा क्रेटोस ने उसको बोला था, कावर्ड। आ रहा हूँ रुक जाओ वहीं पे, और शॉर्टकट से जाएंगे क्योंकि शॉर्टकट से आए थे ना जो गेट हमने निकाला था, पूरा घूम के जाने वाला नहीं हूँ मैं, यहीं से चलेंगे ऊपर की तरफ क्योंकि यहाँ से शॉर्टकट मारूंगा और वो मुझे दिख जाएगा। देखो ये रहा, नहीं तो इस बार उधर से गए थे पिछली बार हम घूम के, तुझे मैं बताता हूँ, छोड़ इस गेट को, छोड़ छोड़, एक ही में ख़त्म। देखो हो गया ना, बट उस बंदे को वहां पे ना कुछ लगाना चाहिए था ताकि मैं भी बच जाऊं और क्रेटोस मुझे मार भी ना पाए, लेकिन उसको ये थोड़ी ना पता था वो फ्यूरी लेके आ जाएगा, अपने फादर ऑफ ज़ूस की वेपन लेके आ जाएगा। लेट्स गो गाइस चलते हैं आगे, वो यहां तक तो हम आ गए हैं लेकिन अभी तक हमें ज़ूस ऑफ फ्यूरी भी मिल चुकी है, ब्रिज भी हमने ओपन कर दिया है, बट अभी तक हमने वो जो गेट है ना जो स्टार्टिंग में जब एरिस के पास हम खड़े थे वहां पे वो वाला जो गेट है वो ओपन नहीं हुआ है, उसके लिए अभी तक पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे आगे चल के, कोई आइडिया नहीं है, और पता नहीं कौन खोलेगा उस गेट को। तो अभी फ्यूरी की पावर मिल गई है, ज़ूस ऑफ फ्यूरी मिल गया है और गॉर्गनाइज भी मिलती जा रही है, बट अभी मैं थोड़ा सा क्यूरी हूँ तो बिकॉज ऑफ द गेट, वो जब तक अगर नहीं खुलेगा देखो मूड मेरा हमेशा ख़राब रहेगा, क्योंकि आगे की जर्नी देखो वो गेट के पार ही है, यहाँ पे तो एथेंस का घर है ये पूरा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे नन्हे मुन्ने सिपाहियों, आ जाओ, ये ब्लॉक भी कर रहे हैं पता है, जब मैं इनको ट्राई करता हूँ ना मारने का ये ब्लॉक भी कर लेते हैं, ये था मेरा कॉम्बो सही वाला गॉर्गनाइज। चलो कोई नहीं, रेड ऑर्ब है कोई दिक्कत नहीं है, रेड ऑर्ब भी काम की चीज़ है ना, रेड ऑर्ब नहीं होगी तो भाई कैसे सब कुछ अपग्रेड होगा। तो मेरी L1R3 वाला वो जो पावर है वो भी अपग्रेड हो चुकी है पूरी, जहाँ भी ज़्यादा लोग आएंगे मैं वो यूज़ करूँगा डेफिनेटली,
ये मैं कहाँ आ गया? ये जगह जानी पहचानी क्यों लग रही है? अच्छा ये देखो, ये वही जगह है। अब मैं समझ गया, ये पूरे घर में घूमे हैं हम और घूम घुमा के। अच्छा ये क्वीन है यहाँ की, ओरेकल। अच्छा वो जो गेट था वो भी तो ओरेकल नाम से गेट था ना उसका। ओके एथेंस डिपेंड, समझ गया मैं। एथेंस टाउन स्क्वायर्स, देखो अभी जब मैंने वो यूज किया था जब हम नीचे थे, बट उस टाइम पे ये जो स्टेयर्स थी ये नहीं थी यहाँ पे। यार ये तो गलत बात है ना, डायरेक्ट हम ऊपर ही चढ़ जाते ना स्टेयर्स होती तो। बट कोई बात नहीं, अभी ओरेकल को बचाना है और यही है शायद वो जो गेट को ओपन कर सकती है। तो उसने बोला है कि एथेंस की जिंदगी दांव पे लगी हुई है, तुम्हें मुझे ढूंढना ही पड़ेगा क्रेटोस। तो अभी ओरेकल को बचाना है सबसे पहले। ओरेकल बचेगी तभी वो गेट ओपन होगा, अगर उन्होंने ओरेकल को ही मार दिया तो हो गया सीन, फिर तो फिर नहीं जा पाएंगे यहाँ से कहीं भी। अरे हट तेरी ऐसे की तैसी, रेड वाली ऑर्ब मेरे सामने चमचमाती हुई, हट तेरी। यार ये वाले ना ये बहुत ज़्यादा डैमेज ले लेते हैं, हट हट। दोनों गए, जब तक ये निकल रहा है ज़मीन में से मैं फटाफट पावर ले लेता हूँ। ले ली वो। अभी गाइस जैसे जैसे इसके अंदर कॉम्बो खुलेगी ना अच्छी अच्छी, फिर देखो तुम्हारा भाई कैसे चलाएगा उसको ब्लेड ऑफ कियोस को। हट भाई, हट जा यहाँ से, तेरी बस की नहीं है फिर भी लड़ने आ गया है, हैं? खाना पीना खा के अपने बीवी बच्चों के साथ सो जा, हमारे तो मर गए। चलो बस अब वो मिल जाए ना ओरेकल एक बार। ये कौन सा आ गया था, टेम्पल ऑफ ओरेकल। अच्छा ये ओरेकल का ही टेम्पल है, तो यही मुझे लगता है यही ओरेकल क्वीन है इन सारे एथेंस की। तो एथेंस का वो जो गेट है सबसे बड़ा वाला, जिसके पीछे कुछ ना कुछ है, तो वो यही बता सकती है वहाँ पे क्या चीज़ है और मुझे वहीं पे जाना है शायद। लेट्स गो, यहाँ फाइट होने वाली है पक्का इन केकड़ों से, क्योंकि केकड़े उठा के लेगी उनको, जितने भी चमकादड़ है ना ये उठा के लेके जा रहे हैं इसे। और कल दिक्कत मतलब हम आ रहे हैं वहीं पे ही। ले गए, ये देखो लगा ही था इन चमकादड़ों से ही फाइट होने वाली है। आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। कितने आओगे, शक्ल देखो उसकी, केकड़े मेमड़े जैसी हो रखी है। आ जाओ, कितने आओगे यार, कितने आओगे। ये ऐसे नोचेंगे मुझे अगर जल्दी ख़त्म नहीं किया ना इनको, ये ऐसे नोचेंगे एक एक करके। बाप रे, ऊपर से बम भी मार रहे हैं आग का गोला, हट तेरी। पकड़ पकड़ के मारूँ क्या, इधर आ। मेड्यूसा को भी आना था, आ जाओ। अभी मैंडिटोर भी आ गए तो और वो और ज़्यादा पी लेंगे, खत्म। एक और मेड्यूसा, बाप रे इनकी तो। यार मेरे पास 5 और हो गई है, 6 हो गई, लिटरली 6 हो गई। हटो, खत्म। पानी के अंदर घुस गए, इसके पंख ना गीले हो गए और वो उसी के अंदर पड़ा रह गया। ओह चलो ये तो खत्म किया मैंने, अब जाते ओरेकल को बचाने के लिए। और ये कौन था, लेफ्ट से किसी की हंसने की आवाज आई। Good, my boy. अरे Athena has chosen wisely. Athena ने चूज किया है क्रेटोस को टू किल ऑल गॉड्स। तुम कौन हो? You have the blades, the skin as pale as the moon. You are the one indeed. Perhaps Athens will survive at that. But be careful. Don't want you dying before I'm done with this grave. A grave. तो इसने बोला ये जो तुम ग्रेव बना रहे हो, इसको बनाने से पहले तुम मरना मत। You will, my son. Oh, I've got a lot of digging to do indeed. तो इस बंदे को सब कुछ पता है। All will be revealed in good time. And when all appears to be lost, Kratos. मैं सब कुछ रिवील करूंगा लेकिन टाइम आने पर। ये बंदा कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, सही में ये बंदा कुछ गड़बड़ लग रहा है। और इसने बोला है कि तुम अभी क्रेटोस मरना मत जब तक मैं ये पूरा काम ख़त्म नहीं कर देता हूँ। और जितनी भी एथेंस ने और एथीना ने तुम्हें चूज़ किया है ना, वो सही चूज़ किया है, तुम ही गॉड किलर हो। अब जाके मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये सब जो भी हो रहा है ना, ये पहले से प्री बिल्ड था, क्रेटोस को ही एथेंस और एथीना ने चूज़ किया है, यही वो बंदा है जो कि सबको चैन की नींद सुला सकता है, ऑल गॉड को।
अब एथेंस बचे ना बचे लेकिन गॉड्स तो जरूर जाएंगे। पहुंच गए हम ऊपर, शायद मेरे को यहाँ पे ओरेकल मिल जाए। अरे बाप रे, ओरेकल का तो पता नहीं लेकिन यहाँ से जो चमगादड़ निकल रहे हैं इनके नेस्ट बना बना के बैठे हुए हैं यहाँ पे ये। इसके अंदर कुछ लगाना है ताकि ये निकलना बंद कर दें, और मुझे ऊपर जाना है शायद, जाली लगी हुई है। पहले तो गेट ओपन करता हूँ इससे पहले ये आ जाए मेरे अंदर चोंच मारे। देखो यही ओरेकल का यही सिंबल उस गेट पे भी तो बना हुआ था, आउल का सिंबल बना हुआ था उस गेट पे ही। अभी मुझे समझ में आ रहा है ओरेकल को बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ वही वो ओपन कर सकती है गेट को। अबे चमगादड़ों, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? यहाँ गॉड आया हुआ है, एरिस से तगड़ा गॉड आया हुआ है, और तुम गॉड तो नहीं है, मॉर्टल तो हूँ कम से कम, थोड़ी इज्जत तो दो। ये ले, इधर आ। है चोच मारेगा, मारेगा चोच, हट। अब एरिस को लग रहा है वो सारे लोगों को एथेंस को मार देगा और वो ना फिर जीत जाएगा इस वॉर को, लेकिन नहीं भाई ऐसा नहीं होने वाला एरिस, क्योंकि तुझे नहीं पता कि क्रेटोस मार्केट में उतर चुका है। नीचे टपक टपक गया वो नीचे, एक और रह गया है, मेरे को लगा ही था, क्योंकि ये देखो ये सिंपल सी चीज़ है, मैं एक बार इसको शायद पहले खेल चुका था, बहुत पहले 18 साल पहले खेला था मैंने जब ये। नीचे आ, ऊपर ही फ्रीज कर दो, नीचे जैसे ही वो पंछी गिरेगा और वो टूट जाएगा और रेड वाली ऑर्ब मुझे इजीली मिल जाएगी, ये अच्छी चीज़ है। येरा आ जा, नीचे गिर, टूट गया। इसी में लगाना है क्रेटोस, वहाँ कहाँ ले जा रहे हो जाएगा इस बार, मैं इजीली कर दूंगा इसको कंप्लीट। अगर ये मैंने, अगर देखो इसके अंदर से अगर मैंने ये चीज़ नहीं लगाई होती ना, तो जब मैं ऊपर से जा रहा होता तो ये मुझे पक्का मारते, ये मुझे चोच मार मार के नीचे गिरा देते। नाइस, चलो यहाँ पे एक भी चिरकुट नहीं था, ये अच्छी चीज़ थी। अभी एक बचा हुआ है शायद, अरे यार ये बचाना मनुष कहीं के हैं, जाने नहीं देगा, गया, अब नहीं बचा। अगर देखो भाई यहाँ से जाता, अगर एक भी नेस्ट का वो जो नेस्ट है बंद नहीं करता ना, उसको ब्लॉक नहीं करता, तब मैं पक्का गिर जाता, वो मुझे चोंच मार के नीचे गिरा देते, फिर उनको जब तक मैं पेलता नहीं जब तक वो जाते नहीं। आराम से क्रेटोस की भी फटी पड़ी है, अगर नीचे गिरा फिर वापस आना पड़ेगा। आराम से सब कुछ एरिस ने बर्बाद कर दिया, यहाँ पे पूरा ओरेकल का टेम्पल भी बर्बाद कर दिया सब कुछ। चलो, अरे चिरगुटो तुम भी अभी यही मौजूद हो। अरे अरे अरे, ये वही वाले चिरगुट है जो कि लास्ट फर्स्ट वाले एपिसोड में हमें स्टार्टिंग में मिले थे। अरे 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 अरे, शर्म कर थोड़ी, हट यहाँ से, चलते जाओ अब तो, जितने भी रास्ते में आएंगे बस मारते जाओ इन्हें, हटो। निकलने से पहले ही एक पड़ी इनके अंदर सही वाली भर के, वो भी हट। अरे कितने आओगे यार, मेरे को ओरेकल को बचाने भी जाना है, इतने मत आओ, एक एक करके आ जाओ। बूम बाम चल रहा है भाई, कसम से बूम बाम। अगर ये ओपन नहीं हुई होती ये वाली अपग्रेड, अगर मैंने नहीं किया होता तो बहुत मुश्किल हो जाता है इनको पेलना है। मारने की कोशिश कर रहा है, कल आना। पहुंच गए, अरे सामने ओरेकल को लटका रखा है हवा में। अरे बॉय, अरे इसको छोड़ मत दियो, गई काम से, बच गई ओरेकल बच गई, टाइटली पकड़ के रखियो, मैं आ रहा हूं, एक मिनट रुक जा रहा हूं। चलो भाई, ये देखो ये जो यहाँ पे बने हुआ है ना, इसी से इसको पकड़ना है मुझे लग रहा है। घूम जा, एक लात ऐसे, और फिर एक लात मारूंगा कस के सीधा नीचे। अरे फंस गया, यही सिंबल बना हुआ था उस गेट पे, यही ओपन करेगी उसको। ये देखो,
ये वाला मैंने पहले एक बार किया हुआ है। चलो अब ये जो मैंने नीचे डाला है ना एक मूर्ति को, अब ये वाली जो मूर्ति है ये भी मुझे उसके ऊपर ही डालनी है ताकि वो थोड़ी सी और ऊंचाई हो जाए और मैं ऊपर से इसके ऊपर से चढ़ के जा सकूं। हट तेरी, अरे आ रहा हूं, दो मिनट टाइट पकड़ के रख। एक मिनट ये बनाना तो पड़ेगा ना। झरना कितना प्यारा बह रहा है। चलो भाई निकलो अब। नाइस, यहां पे लगाना है देखो ये वाली सही जगह पे, ताकि मैं इसके ऊपर से जाऊंगा और फिर यहां से ऊपर और ऊपर से सीधा उस लड़की के पास, ओरेकल के पास। उसको बचा ही लेंगे इस बार, मैं तो फिट नहीं हुआ ये ठीक से। अभी हो गया फिट। और ये गेट ओपन होगा अब अथीना वाला। देयर इज अ लॉक, समझ गया ये तो लॉक होना ही था। रेड ऑर्ब, नाइस। अरे 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 आराम से भाई, आराम से। चलो अब आएगा मजा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओरेकल बोल रही है जल्दी से, मैं यहां से स्लिप हो रही हूं, जल्दी से आओ और मैं ही एथेंस की मदद कर सकती हूँ और तुम्हारी, अगर मुझे, अगर तुमने बचा लिया तो जल्दी से मुझे बचाओ। बहुत ज़्यादा डरी हुई है ओरेकल, लेकिन बचा लेंगे उसे, दिक्कत तो कोई बात नहीं है, इजी बचा लेंगे। यहाँ से घूम के जाना है, यहाँ पे बाहर की तरफ वॉर चल रही है और यहाँ पे इतने भसूड़ी फैली हुई है। पोजिशन 65 सेकेंड्स की, इसको सेव करना है। 60 सेकेंड्स, ओनली वन मिनट, वन मिनट के अंदर, एक मिनट के अंदर। अरे आराम से पंखे, रुक जा क्रेटोस को मार, जहां भी मिस्टेक करी क्रेटोस हम गए। ओरेकल भी, चलते जाओ बस। बूम, अगर इस पे मैं अगर टाइम लेता, मुझे यहां से उछल के जाना पड़ेगा, इतना कौन टाइम लेगा। 30 सेकेंड्स, अरे आ तो रहा हूं। आराम से ओ प्रेस करो पीछे और आगे, बूम, इजी, बचा लो भाई। वुहू, भाई हीरो वाली एंट्री मारी इसने तो पूरी, बचा लिया ओरेकल को। अब देखते हैं ये कैसे मदद करेगी हमारी, गाइस सुनते हैं। क्रेटोस, as Athena herself has foretold, अथीना ने इसको बताया था क्रेटोस के बारे में, पर लेकिन लेट हो गए तुम, लेकिन ज्यादा लेट नहीं हुए, तो मैं भी देखूं तुम बचाने के लिए कहां से आए हो, एथेंस को बचाने के लिए। Looked into his soul, she saw a beast as well as a man. Once a captain in the Spartan army, Kratos had begun his command with only 50 soldiers, but soon his numbers grew to the thousands. His tactics were brutal, but effective. Drunk with power, he was feared by all, except one. His wife was the only one to brave his fury. How much is enough, Kratos? When will it end? When the glory of Sparta is known throughout the world. The glory of Sparta? You did this for yourself. His desire for conquest knew no bounds, but that which he desired would ultimately consume him. By the gods! Why would Athena send one such as you? Stay out of my... समझ में आया गाइस, ओरेकल ने जब इसको हाथ लगाया क्रेटोस को और उसके अंदर झांकने की कोशिश करी, जाके पता चला है कि क्रेटोस ऐसा कभी नहीं था, इससे पहले ये एक और बीस्ट था। जब इसके पास ब्लेड ऑफ क्रेटोस नहीं थे, इसीलिए तो इसको एरिस ने चूज किया। Pandora's box, which lies far beyond the walls of Athens, hidden by the gods across the desert to the east. But be warned, Kratos. Many have gone in search of Pandora's box. None have returned. तो गाइस अब समझ में आया है, तो अभी ना ओरेकल ने क्रेटोस से बोल दिया है, अभी अगर तुम्हें एरिस को डिफीट करना है तो सिर्फ एक ही चीज है जो डिफीट कर सकती है, वो है
पैंडोरा बॉक्स। तो पैंडोरा बॉक्स को ईस्ट की साइड में एक रेगिस्तान में रखा हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे लोग गए थे लेकिन कोई भी वापस नहीं आया है। तो ओरेकल ने वॉर्न कर दिया और क्रेटोस अभी सोच में पड़ गया है। अब देखो एरिस को तो मारना ही है, लेकिन अब करना कैसे, उस बॉक्स को कैसे लेना है। अब ये जो क्रेटोस है ना, ये भी सोच में पड़ गया है। अभी ईस्ट की साइड वो जो गेट था वो ओपन हो चुका है, लेकिन वो जो पैंडोरा बॉक्स है वो उस रेगिस्तान के अंदर है गाइस। तो इस वाले एपिसोड में तुम्हें कितना मजा आया मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट एपिसोड आएगा इसके अंदर हम जाने वाले हैं पैंडोरा बॉक्स को ढूंढने के लिए, क्योंकि हमारी मदद करेगा एरिस को डिफीट करने के लिए।